एक्चुअली रिसर्जेंट राजस्थान तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन 2007 के पश्चात में फिर जब कांग्रेस सरकार आएगी उसके बाद इसको बिल्कुल ही इसको रद्द कर दिया गया। अब हम वापस इसको किक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी इस कार्यकाल के अंदर ये पहला रिसर्जेंट राजस्थान हमारा होगा और हमें आशा है कि इसके बाद में हर साल अगर रिसर्जेंट राजस्थान होता तो ये और भी बिल्डअप करेगा। माइंस है कि सेक्टर, क्योंकि आपके 60-70 मिनरल्स हैं, आपके पास लाइमस्टोन इतना है कि आपके सीमेंट प्लांट्स की भी एकदम कतार लगी हुई है। इसके बाद आपका टूरिज्म है, आपका जो हेल्थ है, आपका इंडस्ट्रीज है, आपका पेट्रोलियम है, तो ऐसे करके हमारे करीबन 11-12 जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर लोगों का आपके ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, तो ये मिला के सोलर के अंदर हमारे दूसरे प्रदेशों से हेड एंड शोल्डर्स हमारा एडवांटेज है। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं, जो प्रमुख सेक्टर जो मैंने आपको बताए, इसके अंदर जो है लोगों का ज्यादा रुझान है। हमें आशा की माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन पधारेंगे और उसके बाद में अलग अलग सेशंस होंगे। आपके महेश शर्मा जी भी आने की संभावना है, निर्मला सीतारमन जी की भी आने की संभावना है, आपका राज मिश्र जी की आने की संभावना है, जेटली साहब की आने की संभावना है, अपने जो इनकी पुत्र वधु हैं सीएम साहब अपने पंजाब के, इनकी भी आने की संभावना है। तो ऐसे करके करीबन 7-8 मंत्री हैं जिनमें से आधों से ज्यादा ने कंफर्म कर दिया है। ये वैज्ञा जी है, गडकरी जी है, तो ये अच्छा एक हमारा अच्छा निवेश आने की संभावना है। हम एक गेस्टिमेट लगाया था 2 लाख करोड़ रुपए का, आज की तारीख में वो करीबन 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हमारा जो फिगर हमें जो दिखाई दे रहा है। और मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर ये 3 लाख करोड़ तक टच कर जाए 19-20 नवंबर तक।